तब तक हम देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे। कब तक हम देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे? लंबे समय तक नहीं रह सकते। और हमारे प्रधानमंत्री का तो बार बार आग्रह रहता है कि इंडिजनाइजेशन को, स्वदेशीकरण को जितना भी हम बल दे सकते हैं हम वो बल देना चाहिए और उस पर हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सभी का यह संकल्प है कि हम जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के उद्घाटन से, आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। हम लोगों का प्रयास होगा, जैसा सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है, कि जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स एचएएल को मिले हैं। यह हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड पेंडेमिक, कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको यह मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के हिस्ट्री में सबसे बड़ा यह प्रोक्योरमेंट है और यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। इतनी बड़ी परचेज की मंजूरी का मिलना, मैं यह मानता हूं कि कई मायनों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो देश की सुरक्षा में मजबूती आएगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी।